हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ज्वेलरी में लेजर का प्रिंट कैसे निकालते हैं, और उसमें डेट वाइज कोई हमें लेजर निकालनी हो किसी पर्टिकुलर मंथ की या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, ये ज्वेलरी सॉफ्टवेयर है, खुला हुआ है, तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं ये हम समझेंगे। इसके दो तरीके हैं कि हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करें, लेजर पे क्लिक करें, डिटेल पे क्लिक करें। ये करते ही हमारे सामने पार्टी लिस्ट खुल जाएगी, और अब हमें पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। पार्टी नेम पे जैसे ही कर्सर आएगा, आप ऊपर टाइप करेंगे तो ये आप एंटर करेंगे तो इसकी पूरी लेजर खुल जाती है, जो कि 1 अप्रैल से अब तक की होती है। यहाँ आप देखेंगे 5वें 7वें महीने की, 12वें महीने की और पहले महीने की सारी एंट्रीज आ रही हैं। इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका है, ये तो हमने माउस से हमने किया था, तो ऑल्ट आर, और जैसे ही हम एल पे क्लिक करेंगे और डी पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप भी खुल जाएगा। ऑल्ट आर एल डी, तो ये पार्टी लिस्ट खुल जाएगी। वापस से हमें वो नाम टाइप करना है तो ये लेजर खुल गई। अब हमें मान लीजिए सिर्फ 7वें महीने की लेजर निकालनी है, तो हम टैब का बटन दबाएंगे या हम यहाँ पर डेट पे क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, और हम टाइप करेंगे 01/07/2021। अब हमें टू डेट डालनी है, यानी कि कब तक की चाहिए, तो हम यहाँ डेट डालेंगे 30/07/2021। अब आपने देखा ये 30 हमने डेट डाल दी, 37/2021 डालते ही यहाँ पर ये उसी पीरियड की लेजर दिखाएगा। देखेंगे आप 1/7 से लेकर 30/7 तक की लेजर हमारे सामने आ गई। अब इसके प्रिंट हम कर सकते हैं, प्रिंटर पे दबाएंगे तो प्रिंट पे चला जाएगा। इट इज दैट सिंपल। हम इसको सेव भी कर सकते हैं, प्रीव्यू पे जाएंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव रिपोर्ट, और सेव एस PDF कर देंगे तो ये पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी है। तो हम पार्टी का नाम डाल के इसको सेव कर देंगे तो ये हमारी लेजर सेव हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर हमें फुल लेजर निकालनी है तो हमें डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑल्ट आर एल डी पे वापस क्लिक करेंगे, वापस उस अकाउंट पे जाएंगे, और हम यहीं से अगर सीधा प्रिंट कर देंगे, प्रीव्यू दे देंगे और फिर हम सेव कर देंगे, तो ये समझिए पूरी लेजर जो भी है कि एज इज पूरी सेव हो गई विदाउट एनी टाइम पीरियड। तो ये इसका एक बेस्ट तरीका है करने का। इसके अलावा अगर हमें पुराना भी बिल कोई प्रिंट करना है तो वो भी हमारा लेजर में जाके ही प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 8वें महीने या 7वें महीने का कोई लेजर प्रिंट करना है, तो वापस से हम लेजर डिटेल में जाएंगे, वापस उस अकाउंट पे जाएंगे, और यहाँ से हम ये पुराना बिल, फॉर एग्जाम्पल ये 8 जुलाई का बिल है, ये हम खोल के और यहाँ से हम इसका प्रिंट दोबारा से दे सकते हैं पुराने बिल का। वही बिलिंग का करने का जो मेथड है, प्रीव्यू पे कर सकते हैं हम, तो यहाँ PDF शेयर हो जाएगी यहाँ से। और अगर हमें प्रिंट देना है तो हम वापस से उस बिल पे जाएंगे और यहाँ से हम प्रिंटर का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और प्रिंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम पुराना बिल भी खोल सकते हैं, पुरानी लेजर भी खोल सकते हैं, और उनके प्रिंट्स या PDF सेव कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।